तो एसगार्ड वर्सेस वाकांडा, ये दोनों काफ़ी पावरफुल किंगडम्स हैं और इन्हें डायरेक्टली कंपेयर करना तो इम्पॉसिबल है, इसलिए आज हम कंपेयर करने वाले हैं इनकी आर्मी, टेक्नोलॉजी, डिफेंस सिस्टम, किंग्स, वेपन्स और एनिमीज को, और आखिर में देखेंगे कि किसका किंगडम ज़्यादा सुपीरियर है। वैसे हम ओल्ड एसगार्ड से वाकांडा को कंपेयर करने वाले हैं क्योंकि ये टॉपिक सैंडविच सुपर बैटल में था और वहाँ क्वेश्चन में ओल्ड एसगार्ड लिखा हुआ था। तो अब शुरू करते हैं। आर्मी, अब वाकांडा और एसगार्ड दोनों के पास फीमेल और मेल वॉरियर्स है। वाकांडा की फीमेल वॉरियर्स को डोरा मिलाजे कहा जाता है और ये वाकांडा और वाकांडियन किंग को लेकर बहुत ज़्यादा लॉयल रहती है। इनफैक्ट डोरा मिलाजे रॉयल फैमिली की पर्सनल बॉडीगार्ड्स है, तो अगर वाकांडियन प्रिंस या प्रिंसेस को कहीं बाहर जाना हो तो वो बिना बॉडीगार्ड्स के नहीं जा सकते। ये वॉरियर्स हैंड टू हैंड बैटल में काफ़ी अच्छी है, इतनी कि इन्होंने आउटराइडर्स और टैलोगन वॉरियर्स से बराबरी की फाइट की है। और डोरा मिलाजे के पास वाइब्रेनियम से बने स्पेयर होते हैं जो किसी भी चीज़ को कट कर सकता है और इस स्पेयर में से इलेक्ट्रिक शॉक भी रिलीज होते हैं। फिर आते हैं मेल वॉरियर्स, इनका काम होता है वाकांडा को प्रोटेक्ट करना। ये डोरा मिलाजे जितने अच्छे नहीं होते हैं हैंड टू हैंड बैटल में, पर इनके पास एक क्लोक होता है जिसकी मदद से ये एनर्जी शील्ड बना सकते हैं। और वाकांडा के ज्यादातर सोनिक स्पेयर भी मेल वॉरियर्स ही यूज करते हैं क्योंकि सोनिक स्पेयर लॉन्ग और क्लोज रेंज फाइट दोनों में काम आ जाते हैं। अगर बात करें एसगार्डियन आर्मी की, तो यहाँ के मेल वॉरियर्स को बनाया था स्काई फादर बोर ने। बोर के साथ मिलकर इन्होंने मेलिकेथ से फाइट की थी ताकि एथर उसके हाथ ना लगे। उसके बाद ओडिन किंग बना और ओडिन के साथ इन्होंने फ्रोस्ट जायंट, डार्क एल्फ और नायरेलस में जाकर फाइट की। एसगार्डियन वॉरियर के पास बैटल एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा होता है और इन्हें ज़्यादा टाइम मिलता है खुद को इम्प्रूव करने के लिए, क्योंकि जहाँ एक तरफ वाकांडियन आर्मी को 20 से 30 साल लगते हैं ट्रेन होने में, वहीं दूसरी तरफ एसगार्डियन आर्मी 200 से 300 साल सिर्फ अपने ट्रेनिंग में लगा देती है। उसके बाद ये गैलेक्सी के सबसे पावरफुल एनिमीज से फाइट करता है जो इन्हें इनडायरेक्टली और ज़्यादा पावरफुल बना देता है। एसगार्डियन फोर्स अगर साथ मिलकर काम करे तो ये कर्स जैसे बींग्स को भी मार गिरा सकता है, और ऐसा होते हुए हमने देखा भी है डार्क वर्ल्ड में। वेपन्स के नाम पर इनके पास शील्ड, स्वॉर्ड और स्पेयर्स होता है और इनके आर्मर्स पर ओरो मेटल की कोटिंग होती है जिसकी वजह से काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन जाता है। एसगार्ड के पास अपनी खुद की फीमेल फोर्स भी थी, पर हेला ने बाद में इनका एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म कर दिया। पर वैल्करीज एसगार्ड के बेस्ट वॉरियर्स थे, ये इतने कूल थे कि थोर भी बचपन में एक वैल्करी बनना चाहता था। इनके पास एक चाकू होता है जो ड्रैगन के दांत से बनाया जाता था, इसलिए इसे ड्रैगन फैंग बोला जाता था और ये ऑलमोस्ट किसी भी चीज को कट कर सकता है। वैसे कुछ वैल्करी स्पेयर भी यूज करती थी और इनके पास व्हाइट घोड़ा होता है जिसकी मदद से ये डायमेंशंस और यूनिवर्स में टेलीपोर्ट हो सकते हैं। तो अब बात करते हैं किसकी आर्मी ज्यादा बेटर है, तो ऑफकोर्स वो एसगार्डियन आर्मी है क्योंकि यहाँ की मेल और फीमेल दोनों आर्मीज के लाइफ स्पैन काफी ज्यादा होता है, इसलिए इन्हें ज्यादा टाइम मिलता है खुद को ट्रेन करने के लिए। एक नॉर्मल इंसान मैक्सिमम 80-90 ईयर्स जीता है और टाइम के साथ कमजोर हो जाता है, पर एसगार्डियन टाइम के साथ और पावरफुल बनते चले जाते हैं। एसगार्डियन के पास ज़्यादा बेटर आर्मर्स और वेपन्स है, ये लोग ज़्यादा पावरफुल लोगों से फाइट कर चुके हैं और इनके पास एक्सपीरियंस भी काफ़ी ज़्यादा है जो इन्हें डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वाकांडियन आर्मी से ज़्यादा पावरफुल और सुपीरियर बनाता है। टेक्नोलॉजी, मार्वल की फेज 3 तक एसगार्ड की जो टेक्नोलॉजी थी वो एक अलग ही लेवल पर थी, पर जब सुपर फैंस ने वाकांडा को देखा उसके बाद काफ़ी लोग कन्फ्यूज हो गए कि किसकी टेक्नोलॉजी ज़्यादा एडवांस है। अब वाकांडा की टेक्नोलॉजी कम्प्लीटली डिपेंडेंट है वाइब्रेनियम पर। वाइब्रेनियम से इन लोगों ने ब्लैक पैंथर का सूट बना जो नैनो टेक्नोलॉजी पर काम करता है। किमोयो बीट्स बनाए ताकि लैब में बैठकर मटेरियलिस्टिक चीज़ों को कंट्रोल कर पाए। ट्रैवल करने के लिए बैटल शिप्स बनाए जो इनविजिबल हो सकती है और इन्हें ट्रैक करना भी इम्पॉसिबल है। और शुरी के लैब की टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है कि उसने रॉस के बुलेट के घाव को सिर्फ एक दिन में हील कर दिया था। पर वही दूसरी तरफ एसगार्ड की टेक्नोलॉजी मैजिक पे काम करती है। थॉर ने एक बार बोला था कि इंसान जिस चीज़ को साइंस बोलते हैं एसगार्ड पर उसे मैजिक बोला जाता है, और एसगार्ड के मैजिक को ह्यूमन साइंस कभी नहीं समझ सकता। एसगार्ड के पास डिस्ट्रॉयर रोबोट है जो मैजिक और ओडिन फोर्स पे काम करता है। बायफ्रॉस्ट है जिसकी मदद से वो यूनिवर्स में कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर एसगार्डियंस नैन रियल्म्स में ही ट्रैवल करते हैं। और एसगार्डियन के पास सोल फोर्ज नाम की टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से ये लोग किसी भी इंसान के मॉलिकुलर स्ट्रक्चर को बॉडी से बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऐसा करने से एसगार्डियंस को डायरेक्टली पता चल जाता है कि पेशेंट के बॉडी में क्या प्रॉब्लम है। जब जेन फोस्टर के बॉडी में एथर था तब हमें सोल फोर्ज देखने मिला, और ऐसा टेक ना तो टोनी स्टार्क के पास था और ना ही वाकांडियन के पास। अब एसगार्ड के पास ऐसी कई सारी टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में हमें नहीं पता, पर जितना कुछ अभी तक हमें देखने मिला वो सारी चीजें बहुत ज्यादा एडवांस है। वाकांडा बाकी नेशन से तो ज्यादा एडवांस बन चुका है, लेकिन उन्हें कई सौ साल लग जाएंगे बायफ्रॉस्ट और सोल फोर्ज जैसी चीजों को क्रिएट करने में। डिफेंस सिस्टम, वाकांडा की शील्ड को हमने इन्फिनिटी वॉर में अच्छे से देखा है। ये शील्ड वाइब्रेनियम पे काम करती है और ये इतनी ड्यूरेबल है कि एक ड्रॉपशिप इसके ऊपर आकर गिर गया था लेकिन शील्ड को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आउटराइडर्स को ये शील्ड नहीं रोक पाई और पता नहीं कैसे लेकिन नेवोर ने भी इस शील्ड को क्रैक कर दिया था।
ये शील्ड हैवी इम्पैक्ट को झेल सकती है, लेकिन अगर कोई पावरफुल बंदा सामने आ जाए तो वो इस शील्ड को ब्रेक कर सकता है। दूसरी तरफ एसगार्ड की शील्ड है जो गोल्डन कलर की है और इसे तब एक्टिवेट किया गया था जब डार्क एल्फ ने एसगार्ड पर अटैक कर दिया था। ये एनर्जी शील्ड भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। मेलिगेथ के बैटलशिप इसके इंपैक्ट में आते ही बर्बाद हो रहे थे और अगर इस शील्ड को तोड़ना है तो एसगार्ड के राजमहल में जाकर इसके कोर को ब्रेक करना पड़ता है और ऐसा ही कुछ कर्स ने किया था। वैसे एसगार्ड को किसी शील्ड की जरूरत नहीं है, हेमडाल अपनी आंखों से सब देख लेता है, इसलिए एसगार्ड को पता होता है उनके ऊपर कौन सी मुसीबत आने वाली है। और एसगार्ड तक पहुंचने के कुछ सीक्रेट रास्ते हैं, लेकिन वो बहुत कम ही लोगों को पता है, जैसे लोकी, ओडिन, थॉर, मेलिगेथ और सर्टर। तो अगर बात करें किसकी शील्ड ज्यादा ड्यूरेबल है तो वो एसगार्ड की है, क्योंकि इसे ब्रेक करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, कोर को डिस्ट्रॉय करना। लेकिन वकांडियन शील्ड को हमने बाईपास होते हुए देखा है। हो सकता है कि स्काई फादर लेवल बींग्स एसगार्ड की शील्ड को तोड़ सकते हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है, इसलिए एसगार्ड की शील्ड ज्यादा ड्यूरेबल है, जो इनडायरेक्टली उनके डिफेंस सिस्टम को बेटर बनाता है। किंग्स, अब वकांडियन किंग पहले तिचाला था और तिचाला ज्यादा टाइम के लिए तो किंग के पोजीशन पर नहीं था, लेकिन वो सारे पास्ट किंग से ज्यादा बेटर था। और वकांडियन किंग्स नॉर्मल इंसान होता है, लेकिन रॉयल ब्लड होने की वजह से इनकी बॉडी हार्डशिप हब को डाइजेस्ट कर लेती है और उसके बाद इन्हें मिल जाती है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड और ड्यूरेबिलिटी, जिसकी वजह से ये नॉर्मल इंसानों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट बन जाते हैं। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जो वकांडियन किंग होता है वही ब्लैक पैंथर बनेगा। शूरी के ब्लैक पैंथर बनने से पहले सारे किंग्स ब्लैक पैंथर बनते थे, लेकिन शूरी के केस में ऐसा नहीं है। बट तिचाला जब ब्लैक पैंथर बना तब उसके ऊपर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। सबसे पहले तो वकांडियंस को प्रोटेक्ट करना, उसके बाद वकांडा से बाहर जाकर मिशन कंप्लीट करना ताकि वकांडा का सीक्रेट बाहर लीक ना हो। पर्सनल वेपन के नाम पर ब्लैक पैंथर के पास अपने क्लॉज होते हैं जो वाइब्रेनियम से बना है, तो ये क्लॉज हार्ड मेटल को भी कट कर सकता है। अब अगर बात करें एसगार्ड के किंग की, तो इसके कंधों पर 9 रियलम्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। ओडिन जब जिंदा था तब रियलम्स में उसके नाम का काफी ज्यादा खौफ था, और ओडिन बाकी गॉड से थोड़ा डिफरेंट था। जहां दूसरे गॉड्स अपने फॉलोअर्स को देखते तक नहीं है, वही ओडिन टाइम आने पर अपने आर्मी के साथ अपने फॉलोअर्स को प्रोटेक्ट करने आ जाता था। अगर हम मेलिगेथ को साइड रखें तो बाकी एनिमीज को 10 बार सोचना पड़ता था एसगार्ड पर अटैक करने से पहले। वैसे तो ओडिन अकेला एसगार्ड को प्रोटेक्ट कर सकता है, लेकिन जब वो अपने ओडिन स्लीप में होता है तब वो एक नॉर्मल इंसान की तरह हो जाता है। और इस टाइम पर किसी ने ओडिन पर अटैक कर दिया तो बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि ऑल फादर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, पर ऐसी सिचुएशन बहुत रेयर है। ओडिन के पास स्पेयर गंगनीर है, जो एसगार्ड के टॉप 3 मोस्ट पावरफुल वेपन में से एक है। स्पेयर गंगनीर पहले बोर यूज करता था, फिर ये पास ऑन हुआ ओडिन के हाथ में, और थोर ने भी इस वेपन का यूज किया था जब वो हेला से फाइट कर रहा था। इनफैक्ट लोकी भी इसे यूज कर चुका है। इस स्पेयर से ऑरेंज कलर की बीम निकलती है जो ओडिन फोर्स है, ये सेम बीम डिस्ट्रॉयर के मुंह से निकलती है। और मैं बताना भूल गया, लेकिन जिसके पास स्पेयर गंगनीर होता है वो डिस्ट्रॉयर को भी कंट्रोल कर सकता है। वैसे मुझे नहीं लगता मुझे बताने की जरूरत है कि कौन से किंगडम का किंग ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो ऑल फादर ओडिन है। नैन रियलम्स को प्रोटेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, ऊपर से ओडिन के पास बेटर वेपन है, ज्यादा स्ट्रेंथ और नॉलेज के साथ बैटल एक्सपीरियंस है, जो ओडिन को ज्यादा पावरफुल बना देता है किसी भी वकांडियन किंग से। वेपन्स, वकांडा एक ऐसा नेशन है जो बाकी कंट्रीज के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर जितने भी वेपन्स है सब वाइब्रेनियम से बनते हैं, पर ये सारे वेपन्स क्लोज रेंज फाइट के लिए बने हैं, जैसे ब्लैक पैंथर का सूट क्लोज रेंज फाइट में काम आता है, शूरी के सोनिक ब्लास्टर्स, वाइब्रेनियम स्पेयर्स, ये सब हैंड टू हैंड बैटल करने में काफी अच्छे है। अब ऐसा नहीं है कि वकांडा के पास लॉन्ग रेंज वेपन नहीं है, ये लोग अपने बैटलशिप में लगे लेजर्स का यूज करते हैं दूर से एनिमीज को मारने के लिए, और सोनिक स्पेयर से भी एनर्जी बीम्स को शूट कर सकता है। किलमोंगर के हिसाब से सोनिक स्पेयर एक टैंक को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है, ये बात अलग है, ऐसा कुछ होते हुए अभी तक हमने देखा नहीं है। अब अगर बात करें एसगार्ड के वेपन्स की, तो यहाँ पर वेपन्स की कोई कमी नहीं है। ओडिन के तहखाने में कुछ ऐसे वेपन्स थे जो हमें कभी ठीक से देखने नहीं मिले, लेकिन हेमडाल के पास उसकी उरु मेटल की स्वॉर्ड थी जो बायफ्रोस्ट की चाबी है। ओडिन का स्पेयर गंगनीर भी एक स्काई फादर लेवल का वेपन था और इस स्पेयर से भी बायफ्रोस्ट को कंट्रोल कर सकते थे। फिर आता है म्यूनियर, जो इतना पावरफुल है कि थोर ने इस हैमर की मदद से फ्रोज जायंट के एंटायर रियलम को शेक कर दिया था। वैसे जितने भी वेपन्स एसगार्ड में देखने मिलते हैं 90% वो उरु मेटल से बनते हैं। स्टॉर्म ब्रेकर भी उरु मेटल से बना है, और रिटरी के हिसाब से स्टॉर्म ब्रेकर एसगार्ड का सबसे पावरफुल वेपन है, और इस वेपन में तो इमोशंस भी देखने मिल जाते हैं। अब एसगार्ड के पास और भी वेपन्स है, जैसे वैल्करी का ड्रैगन फैंग, वॉरियर्स 3 के हथियार, एसगार्डियन आर्मी के वेपन्स, एसगार्डियन बैटलशिप्स, एसगार्डियन कैनन्स, ऐसी बहुत सी चीजें एसगार्ड के पास है। अब वकांडा के वेपन्स टेक्नोलॉजी वाइज एडवांस है, पर वकांडियन वेपन्स की एक नहीं चलने वाली एसगार्डियन हथियार के सामने स्टॉर्म ब्रेकर और म्यूनियर जैसे हैमर्स ही पूरे वकांडा का एग्जिस्टेंस खत्म कर सकते हैं, इसलिए एसगार्डियन वेपन ज्यादा बेटर, ड्यूरेबल और डिस्ट्रक्टिव है।
एनिमीज। अब देखो ऐसा बोला जाता है कि सामने वाला कितना पावरफुल है वो देखना है तो सबसे पहले ये देखो कि उसकी एनिमीज कौन है। अगर वकांडा की बात करें तो इनके एनिमीज है ब्लैक मार्केटर्स, जो वाइब्रेनियम को चुरा कर ब्लैक मार्केट में बेच देते हैं। फिर कुछ कंट्रीज की गवर्नमेंट ये लोग भी वाइब्रेनियम की वजह से वकांडा पर अटैक करना चाहते हैं। फिर किल मोंगर एक अच्छा खासा एनिमी था, पर वो कोई बाहर का नहीं था, एट द एंड वो भी रॉयल ब्लड ही था। लेकिन टैलोकैन अब तक के सबसे पावरफुल एनिमीज है जो वकांडा ने देखे है। टैलोकैन वकांडा जितने एडवांस नहीं है, बट वहाँ के लोग वकांडियन से ज्यादा पावरफुल होते हैं। आउटराइडर्स ने भी वकांडा पर अटैक किया था, लेकिन वो विजन के लिए आए थे, ना कि वकांडा को कैप्चर करने के लिए। अगर बात करें एसगार्ड के दुश्मनों की, तो फ्रोस्ट जायंट के साथ तो एसगार्ड की दुश्मनी कई सौ सालों से चलती आ रही है। डार्क एल्फ का भी सेम सीन था, पर डार्क वर्ल्ड इवेंट के बाद डार्क एल्फ का एग्जिस्टेंस ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। उनके पास अब कोई किंग नहीं है, बट मेलिकेथ अकेला ऐसा विलन है जिसने एसगार्ड की तीन जनरेशन से फाइट किया है। सबसे पहले थॉर के ग्रैंडफादर से, उसके बाद ओडिन, अब ओडिन से डायरेक्टली फाइट नहीं की, बट एसगार्ड में घुसकर ओडिन के सिंहासन को बर्बाद करना कोई छोटी बात नहीं है। और थॉर ने तो मेलिकेथ का चैप्टर ही खत्म कर दिया। हेला और सर्टर तो एसगार्ड के लिए ओवरपावर्ड एनिमीज थे, क्योंकि दोनों को मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था। इसलिए ओडिन ने हेला को हेलमेट ट्रैप कर दिया था और सर्टर की इटर्नल फ्लेम छीन ली। गौर को हम नहीं लेने वाले क्योंकि उसने न्यू एसगार्ड पर अटैक किया था, लेकिन आज हम ओल्ड एसगार्ड की बात कर रहे हैं। तो अगर कंक्लूजन पर आए तो हमें पता चलेगा कि एसगार्ड के एनिमीज स्काय फादर लेवल के हैं, जिनके सामने वकांडियंस एनिमी कुछ भी नहीं है। सर्टर, हेला, फ्रोस्ट जायंट, डार्क एल्फ, ये ऐसे बींग्स से जो एसगार्ड से भी नहीं डरते हैं, जबकि एसगार्ड नाइन रियलम्स में सबसे पावरफुल है। और अगर इनमें से कोई वकांडा पर अटैक कर देता है तो वकांडा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। पर अगर किलमोंगर और नेमोर जैसे लोग एसगार्ड पर अटैक करते हैं तो एसगार्ड के बायफ्रोस्ट ब्रिज पर ही इनका खेल खत्म हो जाएगा। इसलिए एसगार्डियन एनिमीज ज्यादा पावरफुल है। और ओवरऑल कंपैरिजन में हमें पता चलता है कि ओल्ड एसगार्ड काफी ज्यादा बेटर पावरफुल नेशन है, जिसके सामने वकांडा नहीं टिकने वाला। एसगार्ड की टेक्नोलॉजी साइंस के बियॉन्ड है, उनके पास स्ट्रॉन्ग आर्मी है, नाइन रियलम्स की नॉलेज है, ज्यादा एक्सपीरियंस के साथ पावरफुल वेपन और किंग है, और ये सारी चीजें एसगार्ड को ज्यादा पावरफुल बनाती है। पर इसी के साथ आज का कंपैरिजन यही खत्म होता है। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ आपको आज की सुपर बैटल कैसे लगी। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इसी वीडियो देखने के लिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, अब मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक गुड बाय।